सभी को नमस्कार। आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं कबीर दास जी की साखियों के। तो ये कक्षा 10 के लिए आज का हमारा चैप्टर है और इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न क्या है कि मीठी वाणी का औरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मीठी वाणी का औरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे क्रोधित हो जाते हैं, दूसरों को सुख और संतोष का अनुभव होता है, दूसरे मीठी वाणी सुनकर दुखी हो जाते हैं और उपयुक्त सभी। तो हमारा जवाब ख जो है वो यहाँ पर सही है। दूसरे लोगों को सुख और संतोष मिलता है यदि हम अच्छी मीठी वाणी बोलते हैं, शुद्ध अच्छी भाषा बोलते हैं। सेकेंड हमारा प्रश्न आ रहा है कि कबीर दास जी कैसी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। तो वो अहंकार त्याग कर मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं। ये वाला जवाब यहाँ पर सही है। मन का आपा खोने से क्या तात्पर्य है। मन का आपा खोने से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर अहंकार को त्यागना जो है उसका तात्पर्य होता है कि मन का आपा खोना। कबीरदास जी क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए। यानी कि हमें ऐसे बातचीत करनी चाहिए जो हमारे मन के अहंकार को नष्ट कर दे, त्याग दे। यानी अहंकार को त्यागना। तो सही जवाब क्या है, मन का आपा खोने का अहंकार को त्यागना। उसके बाद हमारा प्रश्न आ जाता है, तन के शीतल होने का क्या अभिप्राय है। तन का शीतल होना वैसे तो हम सामान्य भाषा में देखेंगे तो शरीर का ठंडा होना, लेकिन सुख और शांति जो है उसका यहाँ पर कबीर जी का तात्पर्य जो है इससे है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, सारे संसार के सुखी होने के का क्या कारण है। पूरा संसार सुखी होने का क्या कारण है, क्योंकि सभी संसार सुखों को अंतिम सत्य मानते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है कि कबीर दास जी किसके लिए दुखी हैं। वो प्रभु के वियोग में दुखी हैं। ऑप्शन ग जो है वो यहाँ पर सही जवाब है। सुखिया सब संसार में कौन सा अलंकार है। सुखिया सब संसार, तो यहाँ पर 3 बार आया है स शब्द। स जो है 3 बार आया है, तो अनुप्रास अलंकार है, रिपीटिशन हो रहा है इसलिए है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ रहा है कि मंत्र का क्या अर्थ है। मंत्र का यहाँ पर अर्थ है उपाय से। मंत्र का अर्थ है उपाय। प्रश्न आ रहा है कि जीवे तो बोरा होई का आशय क्या है। जीवित रहता है तो पागल जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, पागल जैसा। जीवे तो बोरा होई यानी जीवित रहे तो पागल जैसा हो जाता है। फिर हमारा प्रश्न आ रहा है कि वीरय भुअंगम का क्या तात्पर्य है। वीरय रूपी सर्प। वीरय भुअंगम यानी सांप। सर्प यानी सांप, वीरय रूपी सांप। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ रहा है कि विरही मनुष्य की स्थिति कैसी होती है। विरही मनुष्य जो होते हैं वो पागलों की तरह हो जाते हैं। विरह का तात्पर्य क्या है, अपने प्रेमी से अलग होना। विरही मनुष्य कैसे हो जाते हैं, पागल की तरह के हो जाते हैं। राम का वियोगी कौन होता है। जो ईश्वर को पाने के लिए हर प्रकार से प्रयास करता है वह राम का वियोगी है। तो ये सही जवाब क्या है, जो ईश्वर को पाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करता है वह राम का वियोगी है। याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताते भी जाना कि आपको सारे जवाब सही आ रहे होंगे, आपने कैसा पढ़ा है। कुंडली का यहाँ देखो क्या अर्थ है। कुंडली होती है नाभि। इस पद के अनुसार यहाँ पर आता है कस्तूरी क्या है। कस्तूरी क्या होता है, हिरन होता है। उसकी नाभि में एक सुगंधित पदार्थ होता है, उसके कहते हैं। तो सुगंधित द्रव्य होता है मृग की नाभि में पाया जाता है और खुद उसे पता नहीं चलता मृग को, वो इधर उधर ढूंढता रहता है उसे कस्तूरी कहते हैं। उसकी नाभि में छिपा हुआ एक तरल पदार्थ होता है, सुगंधित होता है, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। घटी घटी राम है के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? परमात्मा हर मनुष्य के हृदय में निवास करता है। घटी घटी यानी हर हृदय में, घटी घटी यानी हर हृदय में। अशीर का क्या अर्थ है? अशीर का अर्थ है अक्षर। अशीर कहते हैं अक्षर को, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आता है कि हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? हमें ईश्वर का प्रेम का एक अक्षर पढ़ करके ज्ञान मिल जाएगा। पोती पड़ी पड़ में कौन सा अलंकार है? वही पै का रिपीटिशन है, तो ये अलंकार कौन सा हुआ? अनुप्रास। प्रश्न आता है कि कवि ने अपना घर क्यों जलाया?